हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दोस्तों देखिए, आज हम आए हुए हैं पिकनिक मनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम आज आए हुए हैं बागे अजीम यानी सुंदर नर्सरी पार्क। और जाने से पहले आप देख लीजिए, साथ में हमारे हैं आसिफ भाई। तो पिकनिक मनाने हम आए आसिफ भाई, तो क्या लेके आप आए हैं ये बताइए। भाई अपना खाना पीना सब कुछ साथ में लेके आए हैं। हमें बाहर से कुछ नहीं खाना, एक्चुअल में हम लोग बाहर का खाना प्रीफर करते ही नहीं है। बिल्कुल हम जहाँ भी जाते हैं अपना खाना पीना सब साथ में लेके जाते हैं। और हम भी आज लेके आए सत्तू का पराठा। ठीक है, तो हम लेके आए सत्तू का पराठा, अचार ये भी लेकर के आए हैं। तो भाई मैं लेके आया हूँ अंडे की भुजिया, एक नंबर, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे हम तीन यार, आप, मैं और हमारे आसिफ भाई। तो आइए आपको हम लेके चलते हैं बागे अजीम यानी सुंदर नर्सरी। तो दोस्तों ये आप देखिए, ये है इस तरह का दरवाजा, एंट्री गेट है ना। काफी ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा टूरिस्ट वगैरह आ जाए हुए हैं। और ये देखिए, ये इसका एंट्री गेट है। भीड़ आप देख सकते हैं दोस्तों, सामने में जो वहां पे है ये हुमायूं टॉम की दीवार है। और इधर से फिलहाल अब हम अंदर चल के इसका टिकट लेंगे। 50 रुपए का एक टिकट पड़ा है। और इधर आप देखिए, टिकट के सारी जानकारी जो है ना यहाँ पर दी हुई है। टाइमिंग की अगर हम बात करें तो 7 बजे से 10 बजे तक ये खुला रहता है। लास्ट एंट्री जो है 9:30 बजे इसमें होती है। गाइस लाइन आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त लाइन हो रही है यहाँ पर। तो दोस्तों अभी जो आप ये सब कुछ देख रहे हैं ना, ये बेसिकली बाद में जो रिनोवेट इसको किया गया था ना, वो सारा यहाँ पे है। जितने भी फाउंटेन देख रहे हैं या मेरे बगल में जो ये सब जो पिलर्स वगैरह है ना, ये समझिए कि ये सब बाद का है। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो 16th century के थे ना, वो सारे मेरे अभी और आगे हम लोगों को जाना है। तो फिलहाल ये चीज़ तो सारी अभी नई चीज़ें हैं जो यहाँ पे बनाई गई हैं। 2017-18 में जो है ना इसका इनॉग्रेशन यहाँ पे हुआ था, लेकिन क्या कमाल का बनाया गया है गाइस। ये देख सकते हैं दोनों बच्चे हैं, क्या नाम है यार तुम्हारा? शेजान। अभी नहीं खिलोगे? ये देखिए कॉस्को वॉल है, कितने का मिला ये? 30 रुपये। अरे हम लोग कहें 25 रुपये का आता था, अभी भी 20-25 रुपये का आता है। कितनी बड़ी अच्छी लग रही है तुम्हारी, कहाँ से ले हो? चलो ठीक है, बाय। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना बहुत सारे मतलब मकबरे हैं, बहुत सारे महल हैं, लेकिन तीन महल जो है ना इसमें ज़्यादा मतलब सबसे खास है। जैसे मैं सुंदर वाला बुर्ज मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये कहलाता है सुंदर वाला बुर्ज। इसके अलावा यहाँ पे है सुंदर वाला महल और एक है लक्कड़ वाला महल। इस तरह का जो है यहाँ पर आप एक स्टेज देख सकते हैं बना हुआ है, एम्फीथिएटर बना हुआ है। ये यहाँ का बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है, ये वाला जो मकबरा है ना, चार साइड का है, ये कहलाता है सुंदर वाला बुर्ज। सुंदर वाला बुर्ज की जो जानकारी है ये कंप्लीट यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। 16th century मुगल पीरियड का ये आर्किटेक्चर है। ये इसका फ्रंट व्यू है ना। और इधर अगर आपको हम दिखाएं दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ना ये नहर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक साइड में जो है ना सीढ़ी भी बनी हुई है ऊपर जाने के लिए। तो हर मॉन्यूमेंट में दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऐसी सीढ़ियाँ वगैरह होती हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो सीढ़ी है ना ये बंद है। चारों तरफ से देख सकते हैं ऐसे सेम मेहराब बना हुआ है। ऊपर में अगर हम दिखाएं तो कलमा लिखा हुआ है ना। और चारों साइड से यहाँ पर आपको खिड़की नुमा, खिड़की तो है नहीं लेकिन इस तरह का एक आकार दिया गया है। ये जो जाली आप देख रहे हैं दोस्तों ऊपर में, इसे जो है बाद में रिस्टोर करने के टाइम के लिए बनाया गया था। थोड़ा अंदर चलते हैं, अंदर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अब आप देखिए कितना बेहतरीन और कितना ज़बरदस्त ऊपर में जो है कलाकारी ये की गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अंदर से चार साइड का, ऊपर में अगर आप देखेंगे तो ये 8 साइड दिखता है आपको। चार जो है चारों साइड में जाली है और कॉर्नर में जो है ना ये नक्काशी है। और देखिए बीच में इस तरह के कुरानी कायते अभी भी आपको सेम स्ट्रक्चर में दिख सकती है यहाँ पे। और नीचे में देखिए इस तरह के फूल के जो आर्किटेक्चर है वो सब बने हुए हैं। साइड में आपका अलमारी वगैरह सब दिख रही है, आले भी बने हुए हैं इसमें। तो पहले जैसे था बिल्कुल आज वैसे ही है इंटैक्ट। तो इधर से आप देख सकते हैं ना, अब और ज़्यादा जो है ना सुंदर बुर्ज की जो खूबसूरती है और ज़्यादा यहाँ पर झलक रही है। तो एक टाइम में जो है बिल्कुल समझिए कि ये जो है बिल्कुल बेकार हालत में था, आज आप देख सकते हैं ना 4 साल पहले जो है इसको क्या बनाया गया है। तो दोस्तों ये था यहाँ का सुंदर वाला बुर्ज। और अब जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है यहाँ का सुंदर वाला महल। तो देख सकते हैं चारों साइड से जो है ना बिल्कुल सेम इसकी एंट्री है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है ना। चार साइड का है लेकिन तब भी जो है ना यहाँ पे आपको 8 साइड दिख सकते हैं। तो यहाँ से जो है बिल्कुल ये हॉन्टेड टाइप का लग रहा है ये आप देखिए। और इसके अंदर दोस्तों कहा जाता है ना कि इसमें जो है टोटल 8 कमरे हैं। यहाँ पे आप देखिए किस तरह कमरे बने हुए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये सारे कमरे जो है ना खुले रहे हैं। तो थोड़ा सा हम इसके चारों तरफ घूमते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ऊपर आप देखिए नक्काशी इस तरह की भी ऊपर में जालीनुमा आकार दिया गया है। इधर चलिए देखिए कमरे देखिए, बिल्कुल जो है ना भूल भुलैया टाइप का लग रहा है। और अब देखिए दोस्तों सबसे भयानक चीज़ जो है ना यहाँ पर आपको दिखेगी, ये अब आप देख सकते हैं ना, इसके अंदर जो सीढ़ी बनी हुई है ना। और इस बेसिकली इसके अंदर हो सकता है कि इसके अंदर जो किसी की कब्र वगैरह होगी, लेकिन इसको जो है ना यहाँ पे लॉक रखते हैं। बिल्कुल अंधेरा हो रहा है ये यहाँ पे कंप्लीट।
और अभी हम आपको सारे कमरे यहाँ पे और दिखाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल जो है ना यहाँ पर आपको 8 कमरे जैसे हमने बोले हैं वैसे ही आपको यहाँ पर दिख रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो मकबरा है ना, तो ये जो महल है ना, असल में इसके अंदर भी किसी की कब्र है। तो इस तरह से जो है ना ये कॉर्नर को काट करके जो है यहाँ पे एक एज बनाया गया है। इस तरह से जो है ना इसमें टोटल जो है 8 साइड हो जाते हैं। और यहाँ से जो है आप पूरा इसका सुंदर वाले महल की जानकारी जो है पढ़ सकते हैं। ये भी आप देख सकते हैं 16th century मुगल पीरियड में इसका भी निर्माण किया गया था। और जैसा हमने बताया आपको कि यहाँ पर जो है 8 कमरे हैं जिसको असल में कहा जाता है अष्ट बिहिष्ट, इसका मतलब होता है 8th paradise, जो कि 8 जन्नत के 8 दरवाजे को यह दर्शाता है। तो दोस्तों ये था यहाँ का सुंदर वाला महल, और हमने आपको जो यहाँ पे 8 कमरे दिखाए थे वो असल में कहलाता है हष्ट बिहिष्ट। हष्ट बिहिष्ट का मतलब होता है 8th paradise, है ना, जो कि लिया कहाँ से गया है, जन्नत के 8 दरवाजे से लिया गया है। ऐसे जितने भी मुगल आर्किटेक्चर हुआ करते थे दोस्तों, तो उसमें जो है हॉल के चारों तरफ जो है ना 8 कमरे बनाए जाते थे, जो कि जन्नत के 8 दरवाजे के तर्ज अमल पर जो है इसको यहाँ पर बनाया गया। हुमायूं टॉम में भी जाइएगा तो वहाँ भी आपको हुमायूं के मकबरे के चारों तरफ 8 कमरे दिखते हैं। उसी तरह से इस वाले महल में भी यहाँ पे चारों तरफ जो है ना महल के 8 कमरे यहाँ पे बनाए गए हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हष्ट बिहिष्ट। तो दोस्तों अभी जो है ना हम लोग एक ऐसी जगह पे इसी पार्क के आगे हैं जहाँ पे सन्नाटा होता है, लोग यहाँ पे कम आते हैं, आप देख सकते हैं भीड़ यहाँ पे कम है। और ये जो है ना ये असल में यहाँ की नर्सरी है। और ये देखिए ना कितने बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर इस तरह के उगे हुए हैं। पौधों का नाम तो सारा हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने सारे पौधों को इस जगह पे यहाँ उगाया गया है। लाल, पीले, हरे, गुलाबी, नीले, हर रंग के आपको पेड़, फल, फूल यहाँ पे आपको दिखेंगे। पेड़ देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं गाइज, वाह। चाओ इधर भी आप देख सकते हैं छोटे छोटे पौधे यहाँ भी उगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ना जो काम अंग्रेजों के टाइम पे होता था ना, आज भी वो काम यहाँ पे हो रहा है। मतलब बनाया गया जो था इसको 16th century में मुगलों के समय में, लेकिन अंग्रेजों का जब समय यहाँ पे आया था तो उन लोगों ने यहाँ पर पौधे वगैरह उगाते थे एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए, मेडिसिनल प्लांट वगैरह बनाते होंगे। आज भी आप देख सकते हैं इन सारे पौधों को जो है ना यहाँ भी मेंटेन किया गया है, और बिल्कुल जो है ना मुगल गार्डन की फीलिंग हमें दे रहा है। लेकिन मुगल गार्डन तो दोस्तों साल में एक ही महीना खुलता है, लेकिन तब भी उसके लिए मार होती है। ये चीज़ जो है 12 महीना खुला हुआ है साल के, है ना, हफ्ते के 7 दिन यहाँ पे खुला रहता है। आपको इंटरेस्ट है, ऑक्सीजन चाहिए, दिल्ली में रहते हैं तो इस जगह पर ज़रूर आइए। और अब जो आप मेरे पीछे ये जो बुर्ज देख रहे हैं ये कहलाता है लक्कड़ वाला बुर्ज। लक्कड़ वाले बुर्ज की जो जानकारी है पूरी यहाँ पर दी भी, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये है लक्कड़ वाला बुर्ज। और बाकी जो 2 मॉन्यूमेंट हमने आपको दिखाए थे उससे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो एक चबूतरा बना हुआ है, नीचे का अगर आप हिस्सा देखें दोस्तों तो नीचे जो है बिल्कुल ही समझिए कि सीमेंट वगैरह झड़ चुकी है। नीचे का उतना ज़्यादा मेंटेन यहाँ पर नहीं किया गया है। और अब हम थोड़ा ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दाहिने साइड में भी सीढ़ी है, इसके बाएं साइड में भी सीढ़ी है, तो हम जो है बाएं साइड में चढ़ गए हैं। और अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये है लक्कड़ वाला गुंबद यानी लक्कड़ वाला बुर्ज, ये देख सकते हैं। और सीढ़ी इधर बनी हुई है, और इस तरह देखिए हर जगह की तरह जो है यहाँ पर भी जो है ना इस तरह का सामने में ही ऊपर जाने का रास्ता है। जाने का तो बहुत मन करता है दोस्तों ऊपर, लेकिन हमेशा की तरह यहाँ पर भी जो है सीढ़ियाँ बंद है। और इसका भी जो है जानकारी खास नहीं है कि लक्कड़ वाले को लक्कड़ वाला क्यों कहते हैं, किसने बनाया था, क्यों बनाया था। अंदर अगर आप देखिएगा तो अंदर में किसी की कोई मजार, कोई कब्र नहीं है। लोगों ने लिख लिख करके जो है ना चीज़ों को बर्बाद कर दिया। 3 साइड में इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेगा, 4th साइड में जो है ये वाला स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर भी दरवाज़ा बनाया गया, ये आप देख सकते हैं इस तरह का। तो फिलहाल अभी हम लोग थोड़ा अंदर चलते हैं। ये बताइए कैसा लगा, पहले बताइए आप। नहीं, बहुत बढ़िया लगा। सबसे अच्छा कौन सा महल लगा? 3 महल देखे हैं, सबसे अच्छा कौन सा महल लगा? यार सभी अपनी अपनी जगह पे एक अलग जगह रखते हैं। सभी बढ़िया है, किसी को भी कम या ज्यादा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मॉन्यूमेंट्स हैं, हम मॉन्यूमेंट्स देखने आए हैं यार। अंदर चलते हैं और ये देख सकते हैं ये दरवाजा। दरवाजा देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये सब चीज जो है ना नए दरवाजे हैं। और ये देखिए साइड में जो अलमारी आले वगैरह बने हुए हैं, ऊपर में सेम उसी तरह का जाली बनी हुई है। नक्काशी आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, मन को मोहक कर लेने वाली पूरी नक्काशी है। अब हम चलते हैं इसके अंदर, कोई कब्र नहीं है, कोई मजार नहीं है। अब आप नक्काशी देखिए, ऊपर में नक्काशी देखिए। नक्काशी जो है दोस्तों ये सुंदर वाला बुर्ज से बहुत ही अलग है। इसके ऊपर में सुंदर वाले बुर्ज में पूरे में नक्काशी थी, और नीचे में देख सकते हैं कि चारों साइड में भी अंदर की जो नक्काशी है ना वो अलग है, लेकिन तब भी आप दीवार पर चारों साइड में कुरान की आयतें वगैरह देख सकते हैं। और यहाँ पर आप कुछ लोगों का कारनामा भी देख सकते हैं, ये है लैबा फरमान।
तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं ना कि एक ज़माने में राजा महाराजा बादशाह सुल्तान इन लोगों ने चीज़ों को कितनी मेहनत से जो है बनाया था, मजदूरों ने जो है बड़े बड़े पत्थर को लाला के कैसे कैसे रखा है, और आज लोग जो है ना ये कलम चला करके इस चीज़ों को यहाँ पर बदनाम कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ये था यहाँ का लक्कड़ वाला बुर्ज, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये कितना बेहतरीन कितना प्यारा लग रहा है गाइस। और ऐसा कहा जाता है कि इसे जो है ना किसी केयर टेकर वगैरह को रखने के रहने के लिए जो इसे यहाँ पर बनाया गया था। इसके अलावा जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सारे बड़े बड़े गुंबद के अलावा जो है ना आपको कुछ ना कुछ खंडर नुमा कुछ आकार के स्ट्रक्चर दिखते हैं। इधर आप देख सकते हैं ना आपको यहाँ पर कुआं का आर्किटेक्चर दिखता है, इसे भी हम चल के देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये कुआं है दोस्तों, है ना, एक ज़माने में ये काफ़ी डीप हुआ करता होगा। अभी तो फिलहाल लगता है कि पाइपलाइन इसमें बिछी हुई है और अभी जो है ना इसको ऐसे बंद कर दिया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गहरा है। और ये देखिए लक्कड़ वाले बुर्ज के पास में ही यहाँ पर आपको इतनी बड़ी झील दिखेगी। लोगों की भीड़ भी आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। शाम का टाइम हो गया है तो माहौल भी जो है ठंडा हो चुका है। और ये देखिए कितनी बेहतरीन झीलें, फव्वारे वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिख रहे हैं गाइस। और यहाँ से आप देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन और सबसे ऊंचा मॉन्यूमेंट जो है ना वो यहाँ का यही वाला है, शायद ये मस्जिद लग रही है दोस्तों। ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर जो पेड़ गिर गया है, अंदर ही गिर गया पेड़, इधर भी उग चुका है। तो ये कहीं पर नाम भी नहीं लिखा है दोस्तों इसका कि नाम क्या है क्या नहीं है। पूरा जंगल है दोस्तों, पूरा जंगल है। सामने में मोर दिख रहा है आपको, है ना, भागते हुए, ये आप देख सकते हैं। वाह, अरे देखिए देखिए। और दोस्तों एक और गुंबद हमें यहाँ पर दिखा, इसका नाम है देखिए बागे सुकून यानी सीक्रेट गार्डन। तो ये है इसका एक गेट, तो हमने तो यहाँ पर जो है चार साइड का है मगर एक दरवाजा है, दरवाजा जो इसका बंद है। तो दोस्तों सेफ्टी पर्पस वगैरह के लिए जो है ना दरवाजा वगैरह बंद कर देते हैं। अंदर अगर हम झाँक के देखें तो यहाँ पर भी जो है किसी की कोई कब्र कोई मज़ार वगैरह यहाँ पर भी नहीं बनी हुई है। ये भी जो है स्ट्रक्चर जो है काफ़ी सही से मेंटेन किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो है ना आपको इस गार्डन का जो है कंप्लीट चीज़ें यहाँ पर दिखा दी हैं, टूटे फूटे छोटे मोटे हर एक मॉन्यूमेंट दिखा दिया है। उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह इस वाली वीडियो में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो अब हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में किसी नए इतिहास के साथ, नए जानकारी के साथ, नए जगह पे, नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।